लल्ला को लल्ला आपसे कहा कहवे? लल्ला को लल्ला बाबा, और लल्ली को लल्ला नाना। लल्ला को लल्ला कह रहे हो बाबा बाबा बाबा। अब देर मत करो, निकलो बाबा जी है जाओ। तब तक दूसरे का कह रहे हैं लल्ली को लल्ला रहो, का कह रहो नाना 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 ना ना, हम तुम्हें घर से नहीं जाने देंगे, हमें ना क्यों परेशान हो। लेकिन सच में तो ये है प्यारे, उस दिन मैंने बताया था खूटा कर्तव्य अदा होने के बाद खूटा उखाड़ कर वैराग्य धारण कर लेना चाहिए व्यक्ति को। अब ये बाबा जी कहूं जानते हैं तो फिर नाती के लिए कछु ना कछु खाएवे के लिए। काफी लोग यहाँ पर भी बुजुर्ग होंगे हमारे, शाम को प्रसाद हो प्रसाद मिले तो खुद ना खाएंगे, कुर्ता की जेब में धर लेंगे या अंगोछा के छोक में बांध लेंगे, पर नाती को दंगो है। बड़ो प्यार हो गए अपने नाती से, वैसे ही बेचारे कहीं जाते कुछ ना कुछ लेके आते। एक दिन भागवत सुनने गए, प्रसाद लेकर आए, नाती को आवाज लगाई, बेटा मैं तेरे लिए कुछ चीज लाया हूं। और जैसे ही नाती भागा तैसे ही बहू ने पकड़ लिया, कहां जा रहे हैं? बुड्ढा बुढ़िया हर समय खुल्ल खुल्ल करते रहते हैं, खांसते रहते हैं, सांस चलती है, क्या क्या बीमारी लगी है, तुझे बीमारी लग जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। अब ये बात सुन ली बुड्ढे और बुढ़िया ने, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, अरे सुनते हो, बुड्ढा बुढ़िया हर समय खांसते रहते हैं, सांस चलती है, उनके जूठे बर्तन मैं साफ करती हूँ। एक काम करिए, मिट्टी के पांच बर्तन कुम्हार से जाकर बनवा लाओ। बेसेकंड घोपड़ी के गए, पांच बर्तन बनवा लाए। माँ बाप ने लला पढ़ाओ लेकिन लाला ना पढ़ पाओ, घर में आई उन्हें चार दना भी पढ़ाए गए, बे गए पांच बर्तन बनवा लाए। अब तो बुढ़ा बुढ़िया को मिट्टी के पांच बर्तनों में भोजन देते हैं, उन्हें बर्तन देकर बहुत दुख हुआ। एक दिन बुढ़ा बुढ़िया चिंता ही चिंता में दोनों खत्म हो गए। उनका अंतिम संस्कार किया प्यारे, अंतिम दाह संस्कार किया। फिर जिस कमरे में बुढ़ा बुढ़िया रहते थे उसकी सफाई करवाई गई, जिस चारपाई पर जिस बिस्तर पर लेटते थे बिस्तर लेकर पोखर में फिकवा दिया, जिस चारपाई पर लेटते थे उसे साबुन से धुलवाया गया, सारा सामान निकाल कर बाहर कर दिया गया। जैसे ही मिट्टी के पांच बर्तन मिले और लेकर के बहू फेंकने के लिए चली, तैसे ही पांच सात साल का बेटा दौड़ता हुआ आया, माँ 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 ये मत फेंकना। बोले क्यों? अभी ये खराब नहीं हुए, इसमें दादा दादी ने भोजन किया है, अभी ये फूटे नहीं है, चटके नहीं है, अभी तो ये काम आएंगे। अगर आपने फेंक दिए तो क्या फायदा, हमें दोबारा बनवाने पड़ेंगे, इसलिए ये बर्तन मुझे दे दो, इसमें दादा दादी ने भोजन किया है, अब बारी है तुम्हारी और पिताजी की। अब मैं बड़ा होगा, मैं और मेरी बहू दोनों मिलकर के तुम्हें और पिताजी को उन्हीं बर्तनों में भोजन कराया करेंगे प्यारे। तभी तो कहते हैं जैसा व्यवहार आप अपने बुजुर्गों के साथ करोगे प्यारे, वैसा ही आपकी पीढ़ी आपके पीछे खड़ी है वो भी वैसा ही करेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे हाथ जोड़कर निवेदन है, मिलती नहीं दोबारा रे कर मात पिता की सेवा। अरे मात पिता है रूप प्रभु का, पार करने का एक तरीका, रे वेद पुराण बखाना रे कर मात पिता की सेवा। मिलती नहीं दोबारा रे कर मात पिता की सेवा। इसलिए प्यारे हाथ जोड़कर निवेदन है, हजार कष्ट सह लेना लेकिन कभी अपने बुजुर्गों की आंखों में आंसू मत आने देना, कभी भी माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना प्यारे। कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, तुमने अपनी मूर्खता से उसको भगवान बनाया है। अरे सौ यज्ञ करके वो राजा बनेगा, प्रधान बनेगा तो का मेरे भगवान है वो?
मेरा कहना है आप गिरिराज जी का पूजन करिए। बाबा कहने लगे हमारे इष्ट नाराज हो जाएंगे। कन्हैया बोले नाराज हो जाएंगे, जाजा ज्यादा बारिश नहीं करेंगे, हम सभी ग्वाल बालों में इतनी ताकत है, समुद्र से नदी, नदी से नहर, नहर से नाला लेते हो कि सिंचाई कर लेंगे, आप परेशान ना हो। बाबा को समझाया, सभी को समझाया तो बाबा ने ब्रज में ढिंढोला पिटवा दिया। सभी ब्रज वाले गिरिराज जी का पूजन करने को चले। आ जाए परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज जोड़ा से पूजन करें, उसके बाद कलश वाली देवी आए, उसके बाद अन्य